खबर यूपी के चंदौली जिले से है, जहां नए यातायात नियमों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार आ रही विरोधाभासी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए चंदौली पुलिस ने नया रुख अख्तियार किया है। इस दौरान चंदौली पुलिस पहले विभागीय कर्मचारियों को यातायात नियमों के पालन करने की नसीहत देते दिख रही है। इसी क्रम में खुद ASP चंदौली पुलिस कर्मियों को यातायात नियमों के पाठ पढ़ाते नजर आए। आपको बता दें कि नए यातायात नियमों के आने के बाद पुलिस लगातार वाहन स्वामियों को सचेत कर रही है, साथ ही नियमों का पालन न करने पर चालान भी काट रही है। यातायात पुलिस विद्यालयों में जाकर छात्राओं को भी यातायात नियमों के पालन करने का पाठ पढ़ा रही है। बावजूद इसके लोग पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े करने लगे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने पहले खुद की छवि सुधारने पर जोर दिया है और पुलिस कर्मियों को यातायात नियमों के पालन करने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। इतना ही नहीं, जिले के अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो पुलिसकर्मी यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा उनका डबल जुर्माना काटा जाएगा। अधिकारियों का यह फरमान अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस विषय पर CO सदर त्रिपुरारी पांडे ने भी पुलिस वालों को यातायात नियमों का पालन करने तथा आम जनों से सहूलियत से पेश आने का हिदायत दिया है। चंदौली से सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। निर्देश इस संबंध में दिया गया कि जो ट्रैफिक रूल्स आए हैं, नए नियम आ गए हैं और 1 सितंबर से उत्तर प्रदेश में लागू हैं, उसके संबंध में पुलिस कर्मचारियों को इस बात के लिए जागरूक किया गया कि जो भी नया नियम है उसका अनुपालन पहले स्वयं करें, फिर जनता के लोगों से कराने में उनको सहूलियत होगी। तो उस नए नियमों के अनुसार पुलिस वालों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो जनता को पहले जागरूक करें, ये नए नियम है, इनमें जुर्माने अधिक है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, अपने खुद जो है इसका अनुपालन करें, घर परिवार वालों को भी बताएं, अड़ोस पड़ोस में भी बताएं, ताकि सभी लोग इस कानून के पालन के लिए जागरूक हो सकें। और सर, इसमें एक नियम और है कि पुलिस वालों को दुगुना चार्ज देना पड़ेगा। हाँ, एक ये भी एक की धारा है 210B, जिसके तहत ये निर्देश है कि अगर पुलिस वाले या कोई भी सरकारी कर्मचारी इस तरह का इस का अनुपालन नहीं करता है, इस धारा का उल्लंघन करता है, हेलमेट नहीं लगाता है या सीट बेल्ट नहीं लगाता है, तो क्योंकि उसके खिलाफ दुगुना जुर्माना निर्धारित किया गया है। जैसे जनता हेलमेट नहीं लगाता है, जनता का कोई व्यक्ति उसके पकड़े जाने पर उसको 1000 रुपये का जुर्माना है, अगर पुलिस वाला इस धारा का उल्लंघन करेगा, हेलमेट नहीं लगाएगा, पकड़ा जाएगा, तो उसको 2000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। तो इसी संबंध में जो है ट्रैफिक जो के नए नियम आए हैं अभी, उसके लिए पुलिस वालों को भी जागरूक किया गया और जनता के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। जनपद के पुलिस विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी और राज्य कर्मचारी जितने लोग हैं और केंद्रीय सभी कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग तत्काल करना आज से ही, अभी से ही चालू कर दें, अगर ताकि हम पहले अपने आप को सुधारेंगे तब समाज में किसी के सामने कुछ कहने के लिए हम खड़ा हो पाएंगे। आए दिन वीडियो में और व्हाट्सएप पे और यूट्यूब में हम लोगों के बारे में तमाम क्रिया प्रतिक्रिया निकलती रहती है, तो मैं विशेषकर अपने विभाग से अपील करता हूं कि इस तरह की कोई भी चीज़ सामने ना आने पाए, ताकि आप देख रहे होंगे हर तरह के ग्रुप में आपके आप मेहनत से काम भी करते हैं और उसका नेगेटिव मार्क भी आपको मिलता है। तो आज ही मीटिंग में उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि हमारे जनपद में कम से कम जितने भी लोग हैं, सबसे पहले पुलिस विभाग, उसके बाद राजस्व विभाग, उसके बाद जितने भी राज्य कर्मचारी हैं, वो सब लोग हेलमेट तत्काल ले लें, ताकि पकड़े जाने पे ये ना कहें कि नहीं साहब मुझे पहले से मार्क नहीं किया गया या मुझे इसके बारे में नहीं बताया गया, या मैं शिक्षक हूँ या मैं टीचर हूँ या मैं कचहरी में काम करता हूँ या मैं यहाँ काम करता हूँ, ये सब कुछ नहीं चलेगा, या मैं रेलवे में हूँ, ये सब कुछ नहीं। जो पकड़ा जाएगा उसके विरुद्ध जो नियमावली बनी हुई है वो पूरी की पूरी कार्रवाई होगी, इसमें कोई शक नहीं है, इसे आप तत्काल फॉलो करना चालू कर दें। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।